हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम आपके लिए लाए हैं चुड्डे और चूटी और टिड्डे की कहानी। एक चूटी थी, वो कहीं जा रही थी, रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चूटी 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 बहन रुक जाओ। चूटी रुक गई, पूछने लगी क्या बात है। टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवाएं चल रही हैं, आओ बाग में चलें। चूटी ने कहा, कैसे खेलो, मुझे दाने इकट्ठे करने हैं, जब बरसात आएगी तो चूटी चूटियाँ क्या खाएंगे, मुझे घर में भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे टिड्डे ने कहा, हम तो खेलने जा रहे हैं। एक दिन बादल गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ गया चूटी का दरवाज़ा खटखटाने लगा। चूटी बहन मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दें, मैं भी बहुत भीग गया हूँ, जब तक बारिश रहेगी उस वक्त तक यहाँ रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। चूटी बहन बोली, भाई टिड्डे तुम सारा साल काम नहीं किया करो, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए अनाज भी जमा करके नहीं रखा, जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जो सुस्ती करेगा उसकी सज़ा यही होगी। टिड्डा गिड़गिड़ाया, चूटी बहन इस बार माफ़ कर दो, आगे से मेहनत किया करूँगा। चूटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए, कहने लगी, लो खाओ, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा रोते हुए शक्ल बनाता हुआ चले गया। आज की मोरल, आपको दिल लगा के मेहनत करना चाहिए।